पोटेशियम परमैंगनेट वाली एग्जांपल डिफ्यूजन की है, पार्टिकल्स आर स्टिल मूविंग. यस बेटा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, जहां पर पोटेशियम पर मैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं दे आर डिफ्यूजिंग इन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर. ठीक है, चलिए. डेंसिटी इज गिवन टू यू एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि डेंसिटी किसके इक्वल है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, यू आर गिवन सम सब्सटेंसेस. ठीक है, लाइक एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज. ठीक है जी, द थर्ड थिंग इज हनी, वॉटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. ठीक है, तो ये चीजें आपको गिवन है. आपको क्या कहा गया है कि डेट यू हैव टू अरेंज दिस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. अब आपको मैंने असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन डाला था, इंक्रीजिंग ऑर्डर. बेटा अगर ऑर्डर पूछा जाता है तो उस ऑर्डर में लिखा करो, और आपके एरोस भी बिल्कुल सही होने चाहिए. अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पहले छोटा लिखते हैं. ठीक है, जिसकी कम डेंसिटी होगी डेट विल बी रिटन फर्स्ट. तो एरोज ऐसे चलेंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर. मैंने असाइनमेंट चेक की है आपकी, आप क्या लिखते हो, या तो आप सिंपली कॉमास डाल के लिख रहे हो. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे करके लिख रहे हो. आइदर यू आर राइटिंग लाइक दिस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का ऑर्डर पूछा गया. तो ऐसे नहीं लिखना है, हमने प्रॉपरली एरो शो करनी है. ठीक है, ताकि पता चले कि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं या बड़े में छोटे से जा रहे हैं. ओके, आइदर वी आर राइटिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो अब इसमें भी हमने डेंसिटीज का देखना है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, सबसे कम डेंसिटी. ठीक है, तो पहले सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है. वी नो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी वेरी हाई. पढ़ा ना हमने कि जो सॉलिड्स होते हैं वो भारी होते हैं. ठीक है, डेस्क है, बेड है, टेबल है, दे आर क्वाइट हैवी. तो डेट मीन सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है. अब इसमें हम सॉलिड सर्च कर लेते हैं. एक चॉक सॉलिड हो गया, एक कॉटन, एक आयरन. तो ये तीन चीजें हमारी सॉलिड दिख रही हैं. वाटर एंड हनी दे आर लिक्विड, एग्जॉस्ट एंड एयर दे आर गैसेस. ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी होगी, आयरन भारी होगा, कॉटन भारी होगा या चॉक. तो इट इज आयरन. वेरी गुड. ठीक है, तो आयरन की डेंसिटी यानी कि सबसे ज्यादा है. फिर हमारे पास आता है चॉक एंड वाटर, कॉटन. चॉक या कॉटन, इन दोनों में से कौन सा हैवियर है? आप एक तरफ चॉक पकड़ लो, एक तरफ कॉटन पकड़ लो, कौन ज्यादा भारी लगेगा आपको? वेरी गुड, इट इज चॉक. ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें होगी. अब उसके बाद द थर्ड थिंग इज कॉटन नाउ. ठीक है, अब कॉटन सॉलिड में बच गया, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस कॉटन नाउ. अभी मैं इस कॉटन को क्यों नहीं लिखूंगी, बिकॉज कॉटन इज वेरी वेरी लाइट इन वेट. क्यों लाइट इन वेट होता है? जैसे हमने स्पॉन्ज का पढ़ा था ना कि स्पॉन्ज में माइन्यूट होल्स होते हैं, वैसे ही कॉटन में भी तो माइन्यूट होल्स हैं. माइन्यूट होल्स होने के कारण उसमें जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, राइट, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो कॉटन में क्या है, दे आर मोर. ओके, तो इसीलिए ये एम्प्टी स्पेसेस जो है वो कॉटन को लाइट बना देती है एज कम्पेयर टू हनी एंड वॉटर. ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पे मैं कॉटन नहीं लिखूंगी. अब कॉटन जो है वो हनी और वाटर से भी लाइटर है. ओके, क्लियर? अब हनी एंड वाटर में से कौन ज्यादा हैवियर होगा? ये हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि हनी जो है वो थोड़ा सा डेंस होता है, थोड़ा विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा सा होता है ज्यादा. ठीक है, तो गाढ़ा होने का मतलब क्या है कि इसमें जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी. तो हनी एंड नेक्स्ट इज वाटर. ठीक है, अब इसके बाद हम कॉटन लिखेंगे, बिकॉज कॉटन इट इज नाउ हैवियर देन द एग्जॉस्ट एंड द एयर. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब इसके बाद कॉटन. अब इन दोनों में से हमने देखना है, एक हमारे पास एग्जॉस्ट है और एक हमारे पास एयर है. अब इसमें से कौन सा ज्यादा हैवियर है, विच इज मोर हैवियर? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, जो उसको क्वाइट हैवियर बना देते हैं. ओके, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज दे कंटेन मेनी डस्ट पार्टिकल्स, मेनी टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस. ठीक है, हर नूर इन योर ग्लास. हर नूर इन योर ग्लास. ओके, तो हमारा नेक्स्ट है एग्जॉस्ट.
from chimneys. And in the last we are going to write the air. ठीक है, तो ऐसे हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर्स शो करने हैं. अब क्वाइट क्लियर है ना कि आयरन की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है और एयर की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है. क्लियर बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. ओके, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tabulate the differences in the characteristics of states of matter. अब आपने states of matter में differences करवा रहे हैं सारे, तो ये हमने सारे discuss किए हुए हैं. We have discussed all the differences. ठीक है, तो हमने वही differences यहाँ पे लिख लेने हैं. अब उसके बाद उन्होंने कहा है that you have to comment on the following. ठीक है, कुछ properties दी हुई हैं आपको, rigidity, compressibility, fluidity. ये भी हमने सारी पढ़ी हुई हैं. Rigidity means that it is rigid, अपनी state change नहीं करता, अपनी shape change नहीं करता. Compressibility, हम इसको easily compress कर सकते हैं. Compressibility, ठीक है, किनको easily compress कर सकते हैं? Gas को. Gas can be easily compressed into liquids. ठीक है, तो compressibility का मतलब क्या है कि हमने state change करना है by applying high pressure. Fluidity, property to flow. कौन flow करते हैं? Liquids and gases, they flow. Okay? Filling a gas container. कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम गैस कंटेनर में रखेंगे और वो पूरी पूरी उसको फिल कर लेगी? गैस. ठीक है, तो गैस ऐसी होती है चीजें डैट आर गोइंग टू फिल ऑल द स्पेसेस डैट आर बेसिकली अवेलेबल टू देम. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पड़ा हुआ है, राइट? The energy acquired by the particle due to its motion. ठीक है, तो हमने kinetic energy के बारे में बता देना है. Density अभी मैंने आपको बताई है that it is a mass per unit volume. ठीक है, तो सबसे ज्यादा density किसकी होती है? Solids, they are having high density, then liquids and gases. Next is shape. तो shape वाली भी सारी properties हमने solid, liquid and gas के difference में की हुई है. ठीक है, solids they maintain their shape, liquids they don't maintain their shape and gases they also don't maintain their shape. क्लियर बेटा? हाँ जी, क्लियर. एनी डाउट? ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट टाइम जब सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के डिफरेंसेस किए हैं तो उसमें स्टडी की है. ठीक है, नेक्स्ट, गिव रीजन. नाउ यू हैव टू गिव रीजन दैट व्हाई द गैस इट कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज कैप्ट. कि क्यों जो गैस है वो सारी की सारी जगह फिल कर लेती है जिसमें हम उसको रखते हैं. जैसे हमने एक बैलून ही लिया, हम बैलून में हवा ब्लो कर रहे हैं. जहां पर हम हवा ब्लो कर रहे हैं वो हवा जो है, जो एयर है, वो वहीं पे क्यों नहीं रह रही है? वो पूरे बैलून को क्यों फिल कर रही है? ठीक है, सो इसका क्या रीजन है? दो रीजन है. एक तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है, स्पेसेस ज्यादा है, तो पार्टिकल्स दे कैन मूव इजीली ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, यस, सो दे कैन डिफ्यूज वेरी वेरी क्विकली, इसीलिए वो सारी की सारी जगह को फिल कर लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन, अ गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. क्यों जो गैस है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? हमने जब ब्राउनियन मोशन किया था तो जिगजैग मोशन किया था, हमने ये कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे कोलाइड विद ईच अदर, किया था ना? यस, वी डिड दिस, दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे कोलाइड विद ईच अदर. ठीक है, तो जब वो एक कंटेनर में प्रेजेंट है, ओके, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर ऑल्सो, बट दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो. वॉल्स के साथ भी क्या करते हैं? टकराते हैं. टकराना, कोलाइड मीन्स कोलिजन, टकराना एक दूसरे के साथ. ठीक है, हाँ जी, तो जब वो रेंडमली फ्रीली मूव करते हैं, तो जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो दे ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ठीक है, तो जहां पर जिस कंटेनर में हमने उसको रखा होता है वो उसके साथ भी क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं. ठीक है, तो फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. ठीक है, तो सपोज इतने एरिया में इसने, इस पार्टिकल ने फोर्स अप्लाई की, तो हम क्या कह देंगे उसको? प्रेशर.
यानी कि ये पार्टिकल जो है ये वॉल्स ऑफ कंटेनर पे क्या लगा रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स की कोलिजन ही है जो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ टकराने के साथ साथ जो वॉल्स ऑफ कंटेनर है उनके ऊपर भी फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर टू ओनली वन स्टूडेंट? टू? ओके। सो नेक्स्ट इज, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। बाय Why we called a wooden table as solid? क्यों कहते हैं हम एक wooden table को solid? ये मैंने आपको assignment में भी question डाला था, ठीक है? But इसके responses जो थे आपने अलग अलग लिखे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि why we called liquid as water? Water as liquid, ठीक है? क्यों अलमीरा को हम solid consider करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपने उसका melting point, boiling point के according answers दिए थे। जो आपका iron वाला था, आयरन अलमीरा को हम सॉलिड क्यों कहते हैं, उसकी क्वाइट आपने जो एक्सप्लेनेशन थी वो रीजनेबल लिखी थी कि उसकी शेप ऐसी है, साइज है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड है उसकी, वो चीजें आपने मेंशन की थी, ठीक है। यू हैव टू मेंशन रिजिडिटी आल्सो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं, स्पेसेस कम है, ठीक है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जैसे आपने सॉलिड्स के लिए लिखी है, वैसे ही आपने लिक्विड, जब आपसे पूछा गया था कि हाउ वाटर इज कॉल्ड एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये सारे फैक्टर्स भी आपने उसमें इंक्लूड करने थे। उसकी शेप एंड वॉल्यूम बतानी थी, फिर उसकी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी बतानी है आपने, ठीक है। दिस यू हैव टू एक्सप्लेन फॉर द वॉटर एज लिक्विड ऑल्सो, ठीक है। अकेला उसका मेल्टिंग पॉइंट लिखोगे तो आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, उसकी शेप है, उसकी वॉल्यूम है, उसकी फ्लूइडिटी है, फोर्सेस कम है उसमें, स्पेसेस ज्यादा है लिक्विड्स में, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो वाटर में है, दे आर रिजेम्बलिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स, वो उस सारी जो है लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को रिजेम्बल कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको लिक्विड कहते हैं, ठीक है जी। अब सेम चीज आपसे पूछी है कि वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं, फिक्स्ड शेप है, ठीक है, रिजिड है, सख्त है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और उसमें स्पेसेस कम है, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो दिस शोज ऑल द प्रॉपर्टीज दैट आर रिजेम्बलिंग टू द सॉलिड्स, तो इसलिए हम उसको सॉलिड कहते हैं, ओके। हाँ जी, क्लियर? राइट। So now the next question is again reasoning question है ये, that we can easily move our hand in air. देखो ये air है, मैं अपना hand easily move कर रही हूँ इसमें, ठीक है, I am easily, I am able to move my hand easily in the air, ठीक है। But to do so with the same solid block of wood, we need a karate expert, ठीक है। अब एक solid table है या यही ब्लैक बोर्ड है, मैंने इस ब्लैक बोर्ड में से अपने हाथ को ऐसे ऐसे से घुमाना है, am I able to do that? No. मैं इस ब्लैक बोर्ड में से तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे से नहीं ना घुमा सकती, इसमें से, आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो मैं इस ब्लैक बोर्ड के अंदर से तो अपने हाथ जो है वो ऐसे ऐसे नहीं हिला सकती, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड अ कराटे एक्सपर्ट टू बेसिकली फर्स्टली ब्रेक दैट सॉलिड, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम एयर में इजिली हैंड घुमा लेते हैं बट सॉलिड्स में हम नहीं घुमा सकते अपना हाथ? सो यस धीरेन, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जो स्पेस है वो कम है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस इट इज लेस इन द सॉलिड एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर मोर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू मूव आवर हैंड इन द सॉलिड्स। बट यही अगर आप एयर की बात करो तो एयर में ये दोनों फैक्टर्स ऑपोजिट है, उसमें फोर्सेस जो है वो कम है और स्पेसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस होने के कारण वी आर एबल टू बेसिकली मूव आवर हैंड फ्रीली, ओके। सो दिस इज द रीजनिंग। द लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे ट्रिकी सा क्वेश्चन है, नाउ यू हैव टू बेसिकली गेट दिस एक्सप्लेनेशन कि लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। हम मानते हैं दैट लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी, अभी हम पढ़ के ही आए हैं,
अभी हमने स्टडी किया ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन था डेंसिटी वाला, कि जो सॉलिड्स है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है, अभी हम पढ़ के आए हैं। बट वो कहते हैं कि क्या आपने देखा है कभी कि आइस जो है इट फ्लोट्स ऑन वाटर? आइस होगी सॉलिड, वाटर हो गया लिक्विड, तो जो सॉलिड है वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रहा है, क्यों? ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया हमारा, जहां पर हमने कहा था दैट द सॉलिड्स दे आर हैविंग हाई डेंसिटी, तो ये तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण आइस को तो वाटर के अंदर चले जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए लेट मी शो यू द एक्सप्लेनेशन। फर्स्टली हम डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसा होता है आइस का, ठीक है। जस्ट अ मिनट, चलिए आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन नाउ, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, हाँ जी, कैन यू सी, कैन यू सी द स्ट्रक्चर? ऐसे बना हुआ है कुछ, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हैं, फिर यहाँ पर इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाँ जी, कैन यू सी, ये मैंने एक कैविटी बनाई है, ओके। सो ऐसे आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो बच गया, दिस थिंग, दिस इज द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है? खाली जगह, वेकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब ये क्या करेगी, जैसे हमने कॉटन की एक्सप्लेनेशन दी है ना, लाइक वी हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉटन, फॉर द स्पॉन्ज, कि उसमें माइन्यूट होल्स आ जाते हैं। होल्स कहाँ से आएंगे? स्पेसेस होंगी, ठीक है, छोटे छोटे जो है उसमें स्पेसेस हैं, राइट। तो इन द सेम वे यहाँ पर आइस के स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी स्पेसेस हैं, ठीक है। तो स्पेसिंग होने के कारण, खाली जगह होने के कारण, ये जो खाली जगह है ये इसकी डेंसिटी को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। इट्स डेंसिटी इट डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स स्ट्रक्चर। हाँ जी बेटा, आप अरे, तो मैंने आपको तभी स्ट्रक्चर दिखाया ना इसका, आइस का स्ट्रक्चर देखो आप ऐसा होता है, ठीक है। तो आइस इट इज हैविंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो तभी हम बोल रहे हैं ना कि एक्सेप्शनल था ये, तो हमने तो कुछ और पढ़ा था, ये कुछ और ही निकल गया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आइस जो है दो सॉलिड है, बट उसमें जो स्पेसेस हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। एम्प्टी स्पेस होने के कारण, एम्प्टी स्पेस ज्यादा होने के कारण उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। दीज एम्प्टी स्पेसेस दे लोअर इट्स डेंसिटी, जैसे कॉटन का था, कॉटन कहने को सॉलिड है बट बहुत लाइटर है, क्यों? क्योंकि उसमें खाली जगह ज्यादा है, स्पेसेस ज्यादा है। तो इन द सिमिलर वे जो आइस का स्ट्रक्चर है उसमें भी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो ज्यादा है, ठीक है जी। तो स्पेस ज्यादा होने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसीलिए आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाती है, ठीक है। बट जब आइस पिघलना शुरू हो जाती है, व्हेन द आइस इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, तो ये जो स्पेस है ना ये कम होनी शुरू हो जाती है, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना ये कम होनी शुरू हो जाती है। पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास चलना शुरू कर जाते हैं, द पार्टिकल्स दे मूव क्लोज टू ईच अदर when the ice it starts melting and gets converted into water. तो इसका मतलब water के case में ये जो empty space है ये इतनी ज्यादा नहीं होती है, समझ रहे हो? Are you getting? जो water है when the ice it starts melting to convert itself into water, तो ये यहाँ पर जो molecules है ना, ये water, एक water molecule लिखा, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, तो ये एक दूसरे के पास पास जाना शुरू हो जाते हैं, तो स्पेस कम हो जाती है, ठीक है, ओके।
पानी नहीं भर जाता बेटा, जो उसकी स्पेस है ना वो अपने आप पार्टिकल्स जो है वो अपने आप को एक दूसरे के पास ला लेते हैं, दैट मीन्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है ओके okay? तो इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास पास चले जाते हैं एंड इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द डेंसिटी, स्पेस कम हो जाती है ओके okay? In the process of heating, the forces of attraction between the particles become less. हाँ जी बेटा, जब हम किसी को हीट करते हैं देखो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाती हैं, ठीक है, दैट इज राइट, बट यहाँ पर क्योंकि हम एक एक्सेप्शनल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम ये कह रहे थे कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, बट यहाँ पे तो सॉलिड की डेंसिटी कम निकली, ठीक है, पहला तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हुआ हमारा, तो हमने क्या कहा कि उसमें खाली जगह है इसलिए उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। अब वाटर की डेंसिटी कैसे ज्यादा है आइस से, तो या वाटर जो है उसकी डेंसिटी बीइंग लिक्विड उसकी डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि व्हेन एज सून एज द आइस इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास चलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो स्पेस को कम कर देते हैं, तो स्पेस कम हो गई यानी कि डेंसिटी अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। स्पेस कम का मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वाटर की डेंसिटी एज कम्पेयर टू आइस ज्यादा होती है, ठीक है जी ओके। जी जयती बोलिए बेटा। मैम बट हमने किया था कि जैसे जब हम हीट करते हैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब का एनर्जी की एनर्जी इंक्रीज, मैंने आपका ही आंसर दिया है, आई हैव गिवन द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि आपने लिखा था अभी भी उसमें मुझे पता नहीं लगा, मैंने मोर लिखना था वहां लेस की जगह, वो गलती से लेस लिख दिया बेटा। टेक दिस एज एक्सेप्शनल केस जहां पर हम ये कहते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा है, बट यहाँ पे हमारे सॉलिड की डेंसिटी कम निकली, तो क्यों निकली, क्योंकि उसके बीच में स्पेस थी सॉलिड्स के बीच में, ठीक है, सॉलिड्स के बीच में स्पेस होने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो गई। अब वाटर की जो डेंसिटी है वो क्यों ज्यादा है, क्यों आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, आइस की डेंसिटी कम हो गई डेट मीन्स वाटर की डेंसिटी कैसे ज्यादा है, जब आइस मेल्ट होना शुरू होती है एंड सून एज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, ये स्ट्रक्चर टूट जाता है। टूटने का मतलब क्या है कि जो उसकी खाली जगह थी ना दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग देयर, अब वहां पे खाली स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है, इसीलिए वाटर की जो डेंसिटी है इट इज मोर, ठीक है okay. हाँ जी हाँ जी बेटा, स्पेस खुद ही हो जाती है क्लियर, ठीक है, क्योंकि उसको हीट मिल रही है और उस हीट से पार्टिकल्स जो हैं ये एक दूसरे को अपना अपना ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है ये तोड़ लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, तो जब आप उसको हीट दे रहे हो या व्हेन इट इज गेटिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है ओके okay? अपरन ठीक है जी, नेक्स्ट करें आप। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज, देख लो बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे फिर सारा, बिकॉज टाइम नहीं है अभी, तो ओवरऑल व्यू दे देती हूँ, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की जो स्टेट है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, ऑन टेम्परेचर एंड ऑन प्रेशर, ठीक है, किसी भी मैटर की जो स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस दे आर डिपेंडिंग ऑन टू फैक्टर्स, एक तो टेम्परेचर पे इफेक्ट करती है या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और दूसरा है प्रेशर, यानी कि मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगी तो स्टेट्स चेंज होंगी और जब मैं प्रेशर को चेंज करूंगी तो स्टेट्स चेंज होंगी। प्रेशर का रोल वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है जी। टेम्परेचर के रोल के लिए आपने जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स पढ़ी हुई हैं कि जब हम
सॉलिड को हीट करते हैं, और यू कैन से सॉलिड मेल्ट, मेल्टिंग कह लो फ्यूजन कह लो, थोड़ा बड़ा बना देते हैं. ठीक है जी. सॉलिड व्हेन दे मेल्ट और व्हेन दे फ्यूज, दोनों चीजें सेम है, प्रोसेस हम सेम कहते हैं, पिघलना, सॉलिड के पिघलने को मेल्टिंग और फ्यूजन कहते हैं. दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं, आइदर यू कैन कॉल इट बॉयलिंग और वेपोराइजेशन, देयर इज नो यू इन द वेपोराइजेशन वर्ड. ठीक है. ओके. सो द लास्ट इज फ्रॉम गैस टू सॉलिड. यहां पर आपको बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, डेपोजिशन मिलेंगी, सब्लिमेशन मिलेगी, कूलिंग मिलेगी. ठीक है. तो ये जो टर्म्स है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, विच इज द सब्लिमेशन मेथड. ठीक है. बट फॉर द टाइम आप याद रख लो कि हम जब गैस को ठंडा करेंगे या गैस को डिपॉजिट करवाएंगे या गैस को सब्लाइम कराएंगे, तो अगेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. ठीक है. रिवर्स इज आल्सो सब्लिमेशन, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड आफ्टर द स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है. अब ये दोनों रिवर्स प्रोसेसेस मैंने डिस्कस कर लिया. अब अगर मैंने लिक्विड से वापस सॉलिड में आना है, मैंने पानी को आइस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी इस पानी को? सॉलिडिफाई. ठीक है. सॉलिडिफिकेशन, ठंडा कर लेना है हमने पानी को. ठंडा कर लेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में. सॉलिडिफाई. ठीक है. अब अगर मैं गैस को ठंडा कर लूंगी तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी कि नहीं? सो कैन वी कॉल दिस प्रोसेस एज कंडेंसेशन. वाटर वेपर्स थे, वाटर वेपर्स को ठंडा करवाया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड वाटर में, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. ठीक है. तो दिस इज हाउ बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी आर गेटिंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट. हाँ जी दी रेन, तो वुड तो बर्न कर ही जाएगी बेटा व्हेन इट इज हीटेड. तो यहाँ पे हम इतनी ज्यादा हीट भी नहीं दे रहे हैं कि आइस जो है वो जल ही जाए बेटा. यहाँ पे हीट देने का मतलब क्या है कि जो उसका गेज लाइक स्ट्रक्चर है इट इज गोइंग टू ब्रेक. ठीक है. और वो इतनी भी ज्यादा हीट नहीं हम उसको दे रहे हैं, इट इज गेटिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, आइदर यू आर गेटिंग दैट हीट. ठीक है. हाँ जी बेटा, ये टर्म्स क्लियर हुई है आपको? एक्सेप्ट दीज टर्म्स, डेपोजिशन, सब्लिमेशन एंड कूलिंग. कूलिंग तो आपको चलो बताइए, ठंडा करना किसी चीज को. डेपोजिशन एंड सब्लिमेशन ये हम नेक्स्ट टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सॉलिड से मैंने लिक्विड में जाना है तो सॉलिड को मेल्ट करवाओ, वापिस आना है तो उसी सॉलिड, उसी लिक्विड को ठंडा कर लो. ठीक है. लिक्विड से गैस में गए, उसको बॉयल करवाओ लिक्विड को. जैसे आइस है, आइस को मैंने मेल्ट करवाया तो वो पानी में चेंज हो गई, पानी को मैंने बॉयल करवाया तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो गई. ठीक है. अब उन वाटर वेपर्स को मैंने फिर से ठंडा कर दिया तो वो पानी में कन्वर्ट हो गया. अब उस वाटर को मैंने फिर से ठंडा कर दिया, सॉलिडिफिकेशन की, तो फिर वापस आइस में चेंज हो गया. ठीक है. सो ऑल दीज प्रोसेसेस आई हैव रिटन. क्लियर हो गया बेटा? ओके, नाउ यू कैन स्विच टू द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. बाकी ये सारी टर्म्स की एक्सप्लेनेशन हम कल करेंगे. वी विल बी डूइंग द एक्सप्लेनेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स टुमारो. यू कैन स्विच टू नेक्स्ट क्लास.